वहीं हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसके अलावा आरोपी मलिक के साथ ही बनभूलपुरा थाना और वहां खड़े वाहनों को फूंकने वाले कुल 36 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। बता दें कि मलिक पर तो पुलिस ने पहले ही UAPA लगा दिया था और अब बनभूलपुरा हिंसा में शामिल सभी 36 लोगों पर UAPA लगा दी गई है। जानकारी के अनुसार इन सभी पर हत्या की कोशिश करने सहित तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वहीं जिन पर ये धाराएं लगाई गई हैं उनमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के भाई जावेद सिद्दीकी समेत कई पार्षद और प्रभावशाली लोगों के नाम भी शामिल हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जो FIR ऑलरेडी हो रखी है उसमें UAPA हमने सम्मिलित कर रखा है और अभियुक्त जो अब्दुल मलिक है वो पुलिस कस्टडी रिमांड में है, उससे पूछताछ की जा रही है। जैसे भी साक्ष्य आएंगे और जिस तरीके के तथ्य आएंगे उसके हिसाब से और भी अगर कठोर प्रयोजनों में डालने हैं तो वो भी हम विवेचना में सम्मिलित। देखिए, नामजद अभियुक्तों में से सिर्फ एक अभियुक्त जो है अब्दुल मलिक का पुत्र अब्दुल मोहित वो फरार है, बाकी सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अब्दुल मोहित की गिरफ्तारी भी हम जल्दी कर लेंगे।